आगे मैया के मैया आई जी, एक तो घुराट और ऊपर से नून छर है, ये क्या है? कुछ लूर भासी लड़की को नहीं है, चाय लग रहा है, लग रहा है बकरी का मूत है, एकदम नूनछर नूनछर लग रहा है। नहीं तो अपन माई के यहाँ चल जाओ, जाओ एक महीना रहो वहीं, जाके वहीं सीख के आना, तब मेरे पास रहना। आ? यही कहल गया है, घर की औरत गूंज चटावे, घर की औरत गूंज चटावे। क्या बोला तूने? ये साला चाय में स्वाद नहीं आता है, चाय में क्या स्वाद आएगा, तुम्हारा पूरा दही में स्वाद नहीं है। पागल हो गए हो क्या तुमको? हाँ टाट ठेला से मेढक चढ़ता, आप तो बोलेंगे तो करबे करोगी। गाना में हुरकुच्चा देगा आदमी तो कोई काम आदमी करेगा, यही अब धंधा। आप तो लग रहा है वही एक ग्लास पहले पानी ले लो ना, खुद अपने हाथ से पानी लेना सीख लो, ठीक है? उसके बाद बनाना। हाँ लगता है गाँव में ना तुम ही धो देती हो, बात करो अपने से पानी ले लो बस। चलो तुम काम भी तुम हमी से करवाओ। हाँ। ये भगवान क्या जुलुम है, हम घर क्यों ले आपको? एक बात बताओ, तुम हमेशा सुबह से जो नाटक लगा के रखे हो, घर चली जाओ। तुम साला बिछौतिया ने काहे सटल रखती मेरे दहिया में? अब तो चस्का लग गया है। झोपड़ी में रहती थी अपनी मम्मी के यहाँ तो ठीक रहती थी। झोपड़ी में रहते थे अपना, सुनो ना, बकवास अपने पास ही रखो। क्या बकवास अपने पास रखो? जो ये फ्लैट है ना, हाँ। सारे मेरे घर के अंदर समा जाएगा। हाँ महल में जो रहती थी तुम, टाइम मेवाड़ का किला था तुम्हारा घर, बात तो ऐसे कर रही हो। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? चोट लगता है। क्या बोलते रहते हो 24 घंटा, हर चीज में चाय अच्छा नहीं बना मायके चली जाओ, कपड़ा आयरन नहीं की मायके चली जाओ, हाँ हर चीज में मायके चली जाओ। हम पे आ तुम, बाप रे मैया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सोनल सुहान ब्लॉग। तो आज ना मेरे मन में बहुत अच्छा आइडिया है, मैं एक प्रैंक करने वाला हूँ, बहुत तगड़ा प्रैंक। मतलब मुझे नहीं पता इसका रिएक्शन क्या होगा, मतलब बवाल होने वाला है रिएक्शन, उसमें सोनल बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगी। और हम ये करने वाले हैं ना कि उसको ब्लेमिंग करने वाले हैं, ब्लेमिंग प्रैंक ऑन वाइफ करने वाले हैं, मतलब हर चीज़ के लिए उसमें नुक्स निकालेंगे। नहीं होता नुक्सा तिल्ला निकाल देते हैं, देखते हो कितना देर सहती है और क्या होता है उसका रिएक्शन। और गाइस ये कॉमेडी प्रैंक हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाई को सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को बहुत ज्यादा प्लीज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तू प्यार एकदम लगता है कि बैंड बाजा बारात लेके आ, तू ढम ढूम पटक के आ दी। हमारे तो अपने से ना वो बंद होता है कि हम बंद किए हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है? हां अपने से बंद होता है, उसमें चाहिए ग्रीस। हाँ? सूत की उठती होता होश नहीं रहता है, घर में वो काम करती हो अब बोलती हो गुस्सा आते हैं। उसमें ना बरस होता है मुँह धोने वाला, पीछे रखा ना खराब का कड़ुआ तेल, ऐसे लेके गेट का कोनम डाल से चोई चाई गेट नहीं करता, चोई चाई गेट नहीं करता, पटकाएगा नहीं, थोड़ा सा धीरे से बंद होगा। करना तो कुछ है नहीं, कहिया दियो, आखिरी बार हम ही दिए थे। हाँ? सब काम हम ही करें, ऑफिस भी हम ही जाए और घर का काम भी हम ही करें। साला कमर का रीढ़ का हड्डी ना सोज हो गया, कमाते कमाते पिठिया सोज हो गया है। ऑफिसों में ऐसी कुर्सियां पे बैठल बैठल ना लगता है दहिया टाइट हो गया है, लगता है दहिया टाइट हो गया है। आएंगे तो जरा ही नहीं होगा, इसे से कर दें कुछ काम करती हो तो दे देंगे। उसमें इतना सुनाने वाला क्या बात है तुम्हारा? हाँ ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं करते हैं। अरे हम ही नहीं बोल रहा नहीं करते, लेकिन तरीका नहीं है। तुम दिमाग ठंडा करो चाय पी के, दवा पी से दिमाग ठंडा हो जाता है। देखते हैं, आइए देखते हैं। किस्मतें है कि तुम्हारा चाय भगवान राम भरोसे। मैया के मैया आई जी, एक तो घुराट और ऊपर से नून छर है, ऊपर से नून छर, ये तो टट्टी है आई जी, लूर भास नहीं है तुमको? चाय खराब बन गया है, चाय खराब बन गया, हुड भर के हो गई हो इतनी बड़ी, ब्याह करला 4 साल हो गया लेकिन ये वो चाय बनाने आज तक नहीं आया। कुछ लूर भासी लड़की को नहीं है, चाय लग रहा है, लग रहा है बकरी का मूत है, एकदम नूनछर नूनछर लग रहा है। क्या बोला तूने? इतने अच्छे से बनाए, इतना अच्छे से खोलाए चाय पत्ती तुम्हारा। अच्छा बोल तो रहा है, अच्छा सस्पेंस तुहान सस्पेंस खराब है, अच्छा स्टील वाला ला देना। चाय पत्ती कभी ताजमहल, कभी ब्रूक बाउंड, कभी रेड लेवल, कभी ताजा डिस्कवर पे डिस्कवर करते चल गए, लेकिन चाय में सुधार नहीं आया। चीनी तो साला पतंजलि का हर कंपनी ट्राई कर दिए, लेकिन चाय साला बकरी का मुंह जैसा नूनछर का नूनछर लगता है, लगता है नमकीन चाय पी रहे। दूसरी बात, इतना कॉमन चीज है ना कि जो जन्म के आज खड़ा हुआ है लड़का लड़की, वो भी अच्छा बना देगा। हकते मुत्ते साला हम लोग चाय बना देते हैं जी, हकते मुत्ते साला हम लोग चाय बना देते हैं जी। गजब आदमी है यार, कौन कहां चला है? चाय चढ़ाए सस्पेंड चल गए पे खाना पेशाब उशाब करके आए और चाय छान के पी लिया, साला स्वाद आ जाता है, पी लिया साला स्वाद आ जाता है। नाइस
गए थे ना बिकसवा के, हाँ उसकी मौगी देखे, आइए भैया बैठिए ना, बिकसवा बुलाया जी चाय बनाओ भैया है, चाय चढ़ाई और उसको पल्ला गया पेशाब सूट से, देखे बाथरूम गई मुंह कान धोई, फट से आके चाय छानी पिलाई, साला लग रहा था ढाबा स्टाइल चाय, अब तुम पता नहीं कौन जन्म का जड़ी बूटी तुम पी होगी, तुम्हारा हाथ में लगा छुछुंदर सूट गया है, इस साला चाय में स्वाद नहीं आता है, अब चाय में क्या स्वाद लगा, तुम्हारा पूरा देहिये में स्वाद नहीं है, पूरा देहिये में स्वाद नहीं है। पागल हो गए हो क्या, तुमको अगर मेरे हाथ का चाय नहीं तो कहीं नहीं पी लेते हो, वही लोग के यहाँ कुछ ही वही लोग के पी ले, हाँ दूसर के औरतियों को बोलते रहे जा जाके चाय पिलाते रहे, ये बोलेगी आपकी मौगी नहीं है गोलंबर खिलाने के लिए, यही काम बच गया, जब पीना होगा ना सिर्फ चाय नहीं पियेंगे सब कुछ पी लेंगे उन्हीं लोग से, सब कुछ पी लेंगे उन्हीं लोग से। क्या बोला तूने, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा, सब कुछ पी लेंगे, सही में एकदम बेशरम आदमी हो क्या, भक्का जैसा क्या बात करते हो, क्या समझी तुम, क्या बोले हो तुम, चाय पियेंगे दूध पियेंगे बोर्नविटा पियेंगे, मतलब और का एक ही चीज आदमी पीता, आदमी औरत का एक ही चीज पीता है क्या, आदमी औरत का एक ही चीज पीता है क्या, गजब तू भी बाज आदमी, देखे तो थोड़ा सा चाय बहुत खराब है, हम भी थोड़ा देख लेते हैं पी के, देखो कैसा लग रहा है बकरी के मुंह जैसा नूनछर लग रहा है, कसम से सुहान तुम कितने एकदम अजीब इंसान हो, इतना अच्छा चाय बना लेकिन तो भी तुमको इसमें भी नुक्स निकालना है, हमको नहीं अच्छा लगा तुम्हारा चाय, पता नहीं का है, हमको तुम्हारा हाथ का चाय नहीं, अपने मुंह में मीठू तो बंद की बड़ाई मार दी, अपना खुश हो गई बड़ाई मार के, अपना बड़ाई तुम अपने करोगी, हम तो नहीं करेंगे पति होके, तुम्हारे घर से अगर आ जाएगा ना तुम्हारा माँ बाप या भाई या कोई भी सलवन सब मेरा, देखो कैसे गोलंबर बनाना शुरू करोगी, स्वाद तो लगता है उस दिन अन्नपूर्णा आ जाएगी हाथ होते में, क्या मतलब बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं, चाय बनाने का तरीका तौर तरीका होता नहीं आता तो मम्मी से सीख लो, नहीं तो अपन माई के यहाँ चल जाओ, जाओ एक महीना रहो वहीं जाके, वहीं सीख के आना तब मेरे पास रहना, यही कहल गया है घर की औरत गूंज चटावे, क्या मतलब है इसका, वो चाय तो नहीं बना पाते, इसका मतलब क्या है कि घर में साला मर्दाना को गूंज चटा रही हो, चाय बना रही हो साला मुंह देता, खिचड़ी बना रही हो लगता है साला कि पतला पे खाना है, छर से पानी नहीं खिचड़ी बनाती हो लगता है, सरकारी साला हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल का खिचड़ी तुमसे अच्छा बनता है, तुम इतना बनाती हो, यही तो कहते हैं कि घर की औरत गूंज चटावे, वही आ जाए खाली मायके से परिवार, देखो मंचूरियन बनेगा कोफ्ता बनेगा बोनलेस चिल्ली बनेगा और उस दिन अन्नपूर्णा जाग जाएगी इसका, आज तो लगता है कि हमको ना तुम्हारा हाथ का चाय के पेंगे हम जा रहे हैं, तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम हर चीज में ना ठीक, अगर चाय नहीं अच्छा बना तो हम फिर से बना देंगे, हर चीज में तुम घूम फिर के मेरे मायके पे क्यों चले जाते हो, तो देखते हैं दो दिन के लिए जाते हैं तुम्हारा घर तो बोलते सुहान यहाँ रहोगे ऑफिस चले, लगता तुम्हारे घर वाला सब दाल भात हम ही खा लेंगे, माइके पे जाएंगे नहीं वहाँ ठीक घूम घूम के देखते हैं ना कि भिंडी या भुंजिया भुंज रही हो, साला जो नहीं देखे वो भी देखने को वहाँ मिलता है तुम्हारे हाथ का, नच नच के बनाती है किचनों में घिरनिया नहीं नच नच के बनाती है, ये खुशी माइके में ससुराल में लगता है काटा बबूल का चुभा रहे नीचे में, चाय वो अच्छा नहीं बन रहा है, खाना अच्छा नहीं बना रही हो, आओ क्या बोले तुमको, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं है ठीक है, तुम्हारा जी ही नहीं ठीक है, मेरा अच्छा चाय बनाया इसको इसमें भी प्रॉब्लम है, तुमको अच्छा लग रहा है पिलाओ तो किसी को बोल देगा कोई अच्छा, जाके जाओ ना पिला के देख लो किसी को, ठीक है जाके पूछो तो मम्मी से, फिर ट्राई कर, रुको ना फिर ट्राई कर, ट्राई करके देखो तो, नो 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 चला चाय पीने ढकार आ रहा है, इतना कड़ा कर देती हो, नहीं ये पिएगा तुम्हारा का, अब बना लेंगे अपना, साला चाय इतना कॉमन चीज है कि साला बच्चा बुतरू बना लेता है, इससे बुढ़िया से बनी रहा है, हुड भर के खाली देखे के हो गई है, हुड भर के खाली देखे के हो गई है। क्या इस चाय की तुम क्या बुढ़िया बुढ़िया कर रहे, क्या बुढ़िया बुढ़िया, तुम अपना जाओ 10 दिन के से कभी देख रहे चाय चाय अच्छा नहीं बन रहा है, खाना नहीं बन रहा है और खाना है मेरी अच्छा। अच्छा। घर वाला हमको बोलता था ना सोनू बहुत अच्छा चाय बनाती है, तुम्हारा बाबू जी तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहनी तुम्हारा भाई, हम लोग सोनू चाय बनाती है, नून छरे चाय इसका लगता है, लग रहा है बकरी के पेशाब पी रहे हैं। चाय बनाती है अच्छा, तो अपने से क्यों नहीं बनाते हो, बना लेंगे वो भी दिन अपने करेंगे, अब तो लग रहा है वही एक गिलास पहले पानी ले लो ना, खुद अपने हाथ से पानी लेना सीख लो ठीक है, उसके बाद बनाना, हाँ लगता है गाँव मेरा तुम ही धो देती हो, गाँव मेरा तुम ही धो देती हो, बात कर रही हूँ अपने से पानी ले लो, बस चलो तो वो काम भी तुम हमी से करवा, हाँ तो कर व्हाट माए नहीं ना है, बोल तो ऐसे रही हो लगता है गाँव मेरा तुम ही धो रही हो, हम तो कुछ कर भी नहीं करते अपने जिंदगी में, बस चले तो जाओ ना यार, तुमसे कौन बात करेगा, कौन मुंह लगाएगा, जाओ ना जाओ अपना काम करो ठीक है, कुछ नहीं अच्छा बनाते ना मत ही बनाओ ठीक है, मत पियो मेरे हाथ का, हम तो पियेंगे ना भाई, मेरा चाय बहुत अच्छा बना है, हर बात के लिए बाप रे मायके चली जाओ मायके चली जाओ, ये क्या आदत है यार, मायके चली जाओ। 6 and a half hours later a few
जी गोड़ पे गोड़ पसार के बैठल हो, लेटे भी नहीं सुना साला। साहब मेरा कपड़ा वहाँ हैंगर में टंगल है सर, टूट साहब छत्ता पर से ला के रख दियो। ऑफिस ऑफिस नहीं जाना, शाम में हमको निकलना है दोस्त के यहाँ। कल ऑफिस जाना है ना जी, अभी शाम में जाएंगे दोस्त के यहाँ। कल ना जाना है तुमको? अरे दोस्त के यहाँ बुलाया है दोस्त शाम में, तो कुछ ही पहन के जाए हम, सैंडोगंजी में चल जाए। गजब लेकिन लड़की है, टेबुल टेबुल सब यही फेंकल है, कॉपी किताब मेरा सब यही फेंकल है ऑफिस वाला। निकाल देगा तुम्हारा कपड़ा? नहीं आओ सूझ जाओ, लो सूझ जाओ, आओ सूझ जाओ, आओ। तुम ऐसे क्या कर रहे हो? आओ तुम ऐसे क्या कर रहे हो? प्यारी समझ गई। सूझ जाओ। तो आदमी आराम नहीं कर सकता है? हाँ दिन भर तो आराम करते रहती हो, एक मिनट का चैन नहीं देते हो तुम। सही बात है, एक मिनट का चैन नहीं दोगे। बस उठ गया ना, अब तुमको एकदम दिल को एकदम ठंडक पहुंच गया ना। दिन भर पसरल रहती है मगरमच्छवा नहीं, मगरमच्छवा देखते हैं नदिया से निकल के दिन भर मुंह फाड़ के एकदम बैठे, तो मगरमच्छ नहीं पसरल रहती है दिन भर। अगर नहीं याद दिलाते तो कल तो ऑफिस में चुराइले शर्ट पहन के जाते। बस बहाना चाहिए होता है मेरे। हाँ अब करो, अब निकालो कपड़ा, आयरन करो। अपने दोस्त के ये पहन के चली जाना। ताक ठेला से मेढा चढ़ता, आप तो बोलेंगे तो करबे करोगी। आए गांव में हुरकुच्चा देगा आदमी तो कोई काम आदमी करेगा, यही अब धंधा बन गया है। ताक ठेला से मेढक चढ़ेगा मतलब कुछ भी हुरेंगे पूछेंगे ना तभी काम करेगी। अपना दिमाग अपना स्वभाव तो लगाना नहीं है लड़की को। बाप रे बाप, कहे लगे हम इसे कौन नक्षत्र में शादी किए थे, मतलब सुबह से देख रहे हैं हर काम में इसका नुक्स निकलता है। हर काम में नुक्स निकलता नहीं, तुम निकालते हो। जी कभी भी दया दिखा के अपना घर तो चल जाया करो, महीना दो महीना के लिए मायके। हम घर सुबह से नाटक लगा के रखते हो, घर चली जाओ। तुम साला बिछौती सटल रहती हो मेरे दहिया में, बिछौती नहीं चिपक गई मेरे दहिया में, मम्मी के घर में नहीं चिपकने का मन करता है। अरे वो लड़की को शौक श्रद्धा होता है कि तुम ऐसा ना ऐसा, हम ही वन खा के पति तुमको मिले मर्दाना। आए दूसरा औरत देखते है ना कि भागे लगी मायके, तैयार रहती है आज मम्मी के घर जाने दो, तुम तो चला जाने का नाम नहीं लेती हो। आए का ऐसा बात है जी, बड़े हरामी हो बेटा। हम जाएंगे तो तुम भी पीछे पीछे चल आ जाओगे। हाँ तो गए थे पिछला बार, आए दो दिन रुके थे, पूछो तुम्हारा ऑफिस में लेट नहीं हो रहा है? हमने कहा है भाई, तब पता चला इसका घर का दाल भात हम जो खा रहे थे, साला एक दिन भी नहीं जाती है घर, थोड़ा सा रिलैक्स रहे। क्या है, कंप्यूटर टेबल गंदा है, रूम गंदा है, बाडरों में कपड़ा मेरा साला सब छत्ता पर ला के वहां रख दियो, मतलब घर को नरक बना दियो। साला घर को तो गुड़िया नियन सजा के रखता है जी औरत लोग, एक औरत ऐसी हम देखे हैं ऊपर वाली भाभी लोग को देखते हैं, घरवा को गुड़िया नहीं सजा के रखती है। बचपन से गुड़िया को नहीं लाली भिंडी पाउडर कपड़ा पहना था, उससे घरवा सजल रहता है। आए वो तुम घर को लगता है नरक बना के रखती है। मेरा रूम भी तो सजाई हुआ दिख नहीं रहा है तुमको? बलैया सजा लगा, बलैया से कुछ नहीं सजा लगा। एक बार सजा दोगी तो उसको फिर टच नहीं करें, खाली देखें उसको, काम रहेगा तो आदमी नहीं निकालेगा। एक के दिन साफ सफाई होता है, साफ सफाई तीनों दिन होता है, चौबीसों घंटा होता है, सुबह होता है, पत्नियां काम में दिन भर कपड़ा लेके कंधा पे ऐसे तौलिया रख ले रहा रामू का कनिया, जहाँ गंदा देखो ऐसे झारना शुरू कर दो। पत्नी नहीं हो गई, नौकरानी हो गई ना, नौकरानी की तरह इधर उधर दिन भर खटते है ना, और थोड़ा सा देखोगे लेटे हुए तो एकदम सांप लुटने लगेगा एकदम छाते पे तुम्हारे। सांप तो लुटेगा ना जी, मगरमच्छ नहीं दिन भर पड़ल रहती हो। आए ऐसे ऐसे काम होता है जी, जीवन में ऐसे चलेगा जिंदगी। घर उर आदमी सजा के रखता है, तुम कहल सजाओगी अघायल बगुला के पिठिया तित्ता। क्या मतलब है इसका? कहावत है बूढ़ा पुरानिया बोला घायल बगुला के पिठिया तीता, मतलब जो का मन अघा जाता है ना, शादी में हम गए खाना खाने, पान थाली खा लेंगे तो फिर रसगुल्ला ना नहीं अच्छा लगेगा। वही बात तुमको, इतना सुंदर फ्लैट मिल गया है, मन अघा गया है तो गंदा गुंदा छोड़ दियो। ठीक झोपड़ी में रहती थी अपनी मम्मी के यहाँ तो ठीक रहती थी। गजब बेइज्जती है, झोपड़ी में रहते थे अपना। सुनो ना, क्या बकवास अपने पास रखो, जो ये फ्लैट है ना सारे मेरे घर के अंदर समा जाएगा। हाँ महल में जो रहती थी तुम, प्रिंस ऑफ पर्सिया थी तुम, वहाँ तो महल था, लगता है मेवाड़ का किला था तुम्हारा घर। बात तो ऐसे कर रही हो, पर उससे कम भी नहीं है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? कम भी नहीं है, इसलिए यहाँ गंदा करके रखती हो। साला आदमी पे खाना नहीं करे रूम में, ऐसा रूम का दशा कर दियो, हाल महकते रहता है रूम साला चारों तरफ से। ये मेरा कपड़ा छत्ता पर ला के साला महक रहा है, आयरन नहीं कियो, अभी हमको जाना है, चलो जल्दी आयरन करो। भूल गए तब ना पुछू? भूल गए पुछू, तुम हमको किसी दिन भूल जाओ तब ना, उस दिन हम दुआ करेंगे भगवान से ऐसा दिन है कि तुम हमको भूल जाओ। तुम बोले हो कि परसों, तुम्हें ना कल बोले थे कि कल नहीं है तुम्हारा ऑफिस। कल ऑफिस नहीं है तो तुम्हारा भी ऑफिस नहीं था। हाथवा में क्या, हाथवों में छुट्टी लेती हो, आयरन करने में कितना टाइम लगता है?
हमको भी लगा कि तुम नहीं जाओगे तो छोड़ो करेंगे थोड़ी देर के बाद या रात में कर देंगे। अरे यार वो इंस्टाग्राम से बाहर निकल जाओ, हाथ गोड़ जोड़ते हैं, दिन भर टोए 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 रील देखती हो, लगता है कितनी बड़ी इंस्टाग्राम क्वीन बन गई हो, खाली कपड़ा देखेगी शॉपिंग देखेगी। अब बैठे रहते कुछ बोलेंगे तो चिड़चिड़ाएगी बघिनिया नियन, ये चीज नहीं वो चीज नहीं माइके तो ये तो वो, और चले जाएंगे बोलेंगे ना कि दो दिन के लिए जाना है तो बोल तो रहे साफ सुन जाएगा तुमको। अरे भाई वही तो बोल रहे, वैसा दिन कब आएगा, जाओ ना अभी जाओ तुम अभी चल जाओ। हम जा रहे हैं ऑफिस, हम जा रहे हैं अब आएंगे शाम में हम। सुनो ना पूछू क्या ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ तो वहाँ पे कैसे बोलते कि बोलने में भी डर लगता है तुमसे कोई भी बात। तुम डरती हो हमसे, झोटा घिच के मारती हो, बोल देंगे ना इज्जत प्रतिष्ठा मेरा बचा नहीं है अब जीवन में। जाओगे ना ऑफिस तो कितने बजे छूट जाओगे तुम? शाम तक 8 बजे तक छूटोगे? अरे ऑफिस का काम से दोस्त के घर पे जा रहे हैं, बताओ। तो दोस्त के घर में है ना, 8 बजे तक तो छूटोगे ना तुम? नहीं 8 बजे और पहले आ जाएंगे, 6-7 बजे पहले चले आओगे। तो सुनो ना एक प्लेट चिकन लॉलीपॉप ले लेना और चिकन बिरयानी ले लेना। क्या बोला तूने? ठीक है मारेंगे साला सुबह तक का। चाय गलत पिलाई, कपड़ा आयरन नहीं की, रूम मेरा कंप्यूटर टेबल एडिटिंग टेबल मेरा गंदा, इसको ना जीभिया लपलपा रहा है खाने के लिए बिरयानी है, तुमको नमक रोटी खाने लायक नहीं हो तुमको। क्यों जा रहे हो उधर ही, उधर ही रास्ते में पड़ता है, अगर लेके चले आओगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ घट वट जाएगा तुम्हारा। मोटगानी खाते खाते तो दिन भर मोटा गई हो, जाओ ना रे दिन भर बिरयानी खाते रहती हो। यहाँ तो सही में सही बात है, बोलते रहे ससुराल में रह के ना कोई भी लड़की कभी मोटी नहीं हो सकती है। बोलते रहे हैं कि हम लोग है ना सिर्फ पतली ही रहेंगे हमेशा के लिए। ससुराल में मोटी, ससुराल में तुमको बबुल का कांटा चुभा रहे हैं क्या नीचे, जो मोटी नहीं हो सकती हो? पतली ऐसा मिला है दिन भर चरते रहती हो, चुपचाप की चम्मच में जाओगी चुप से छाली मार के खा लोगे, बोलो ये मोटी नहीं हो रहे हैं, दूध पी रही हो सुबह शाम, आप बिरयानी खा रही हो, बिरयानी खाएगी मुंह भी देखो बिरयानी वाला है तुम्हारा, बिरयानी खाएगी ले लेना ना पूछो एक प्लेट। थोड़ा सुबह से मेरा दिन खराब कर, देखो मचुराइल शर्ट पहने अभी भी मचुराइल है, आयरन करती हो, पति का सेवा नहीं करती हो, गोड़गाड़ दापती हो मेरा तुम, गोड़गाड़ दापती हो मेरा तुम। कब नहीं दापते है तुम्हारा गोड़, और गोड़ गोड़ क्या करते रहते हो 24 घंटा? कब नहीं दापते है, हर दिन सुबह उठ के तुमको दापते रहते हैं। हम जा रहे हैं चलो मेरे साथ, छोड़ दे घर वापस तुम्हारा। हाँ चलो ना छोड़ देना, जो मैया क्या, चलो मैया क्या मैया, और मैया क्या जाना भी तो तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे साथ तुम कभी नहीं जाएंगे, समझ में आया ना? और हमेशा तुम क्या लगा के रखते हो यार, तुमको कुछ हम नहीं बोलते तो तुम क्या समझते हो? हर बात मैया क्या मैया क्या, क्या बोल रहा है, गलत क्या बोल रही है, क्या बोलते रहते हो 24 घंटा? हर चीज में चाय अच्छा नहीं बना मायके चली जाओ, कपड़ा आयरन नहीं की मायके चली जाओ, हर चीज में मायके चली जाओ, जब इतना ही तुमको ज्यादा भूख था मतलब तुमको रहना ही नहीं था साथ में तो क्यों किया शादी, नहीं ना करता शादी? हम बोलने गए थे कि हम क्या, हम दुआरी पे डोलिए लेके चल गए थे, तुमको किडनैप कर लिए थे, तुम भी बोल सकती थी बात, नहीं करेंगे लड़का शादी, हम शादी के लिए अपने मरे जा रहा था, कब होगा शादी कब होगा शादी कब होगा शादी, नाटक लगा के रखा, कब होगा शादी, हर चीज में औरत का गलती, हर चीज में औरत का गलती। हाँ तो इसीलिए तो मर रहे थे, तो आज मर रहे हैं, सही में आज मरिए रहे, भोग भोग के मार रही हो, वो चाय नहीं अच्छा है, मेरा कपड़ा कल कपड़ा निकाल के फेंक रही हो, निकाल ले रहे कपड़ा ना सरियाएंगे, ठीक है सरियाएंगे, और सखी में जाने वाले हैं अपनी मम्मी के यहाँ जाएंगे, 5 दिन हमको भी आराम चाहिए, 1 वीक है ना, बोल तो रहे हमको डिस्टर्ब मत करने आना तुम, समझ में, एक वीक हम सोचेंगे ना कि कहीं हो नहीं डिस्टर्ब, एक वीक क्या, तुम 1 साल के लिए जाओ, एक साल के लिए तुम जाओ, 1 साल के लिए, 1 साल के तो जाएंगे, देखते तुम रहो ना अपना यहाँ पे, एक जो तो बना बना के सब आगे में परोसो, उसमें भी 10 गुनुक सुनो ना, इतना तो आज तक मम्मी पापा को के लिए भी हम इतना कुछ नहीं किए होंगे, ठीक है ना, खाना देते होंगे कुछ भी नहीं किए, तो जिंदगी भर मम्मी पापा के साथ रहती है औरत लोग, मर्दाना के साथ नहीं रहती है, तुम पहली जननी होगी दिन भर मम्मी पापा को उदाहरण देते रहती हो, कोई मम्मी पापा के लिए नहीं करता है, पति के लिए लेकिन पति के लिए तुम जितना करती हो ना तुमसे 3 गुना ज्यादा सब औरतें करती है, भाई जहां जो करती है ना उसी के पास तुम चले जाओ, ठीक है वो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, कहते हैं ना किसी दिन एगो मेरी फ्रेंड लोग फोन उन कर देते थे देह में बाई लग जाता आग जल जाता देह में, करते कहा नहीं हो लड़की से बात, ये कपड़ा कब ली थी, ये भी देखो मेरे पैसा का है, 1 साल पहले सब कुछ लिए हैं, क्या दिया क्या है देता क्या है तुम, हाँ भाई कैसी लगी, 1 साल का कपड़ा दिए हुए जब जो मैया के यहाँ अपन जो माई के यहाँ जाओ, चाय पीना
चाइने बिना आती एक नंबर का 24 घंटे एक भी के लिए ना तुम एकदम डिस्टर्ब होकर मत समझ में आया एकदम जा रही हो बैग लेके अपना हाँ हम जाएंगे ठीक है मेरा तो आधा कपड़ा वहीं पे रहता है झगड़ा के चक्कर में ना मेरा फोन भी हमको नहीं दिखती देखो मेरा फोन यहाँ गिरा हुआ है हम गिराए हैं आपने ना कुत्ती हो घोड़ा नियन अपना काम करो हम ओला करें या पैदल जाएं चाहे कैसे भी जाएं अपना काम करो ना सही में जा रही है क्या जी हमको लगा था मजाक कर रही हो जली ना तेरी भी जली ना हाँ तो मेरे जिया जी हो रहे हो ना इसलिए मजाक करेंगे तुमसे सड़क चाय भी हम पी लेंगे चलो कोई बात नहीं उसके लिए सॉरी आगे लाइन पे हम जाएंगे तो जाएंगे तुम हटो ना काबिल था से कम बनो हम जाएंगे हमको जाने ऐसे भी हम बहुत दिन से नहीं गए इतना गुस्सा मतलब इतना बुरा लग गया मेरा बात तुम जो करती हो ये सब नाटक हम नहीं बुरा मानते हैं क्या नाटक किया बताना तुम क्या नाटक किया सुबह से सुनाए जा रही तुम ये काम नहीं अच्छा करियो वो काम नहीं अच्छा करती है एक धूल भी दिख रहा है धूल साफ नहीं करती सुबह से शाम तुम सुबह से शाम तक मेरे गांड पे प्याज काटते हो हम नहीं चिड़चिड़ाते हैं और थोड़ा सा कुछ बोल दिए तो चिड़चिड़ा गई और भी हम मजाक में बोले प्रैंक कर रहे थे देखो कितना चिड़चिड़ा गई प्रैंक के नाम पे प्रैंक हो गया आपके साथ तुम बाप रे इसको भी अरे कोट लगा है देखो तो बाम कबड़ गया इसका बेल्ट से बैग का बेल्ट से बाम कबड़ गया लेकिन दो लाइन हम अच्छा दो लाइन हम बोल दिए हमको छोड़ के सलाम को बहुत दुख लगा दुख तो अब प्रैंक कर रहे थे इसीलिए कुछ भी करो अब लग रहे हो गाइस देखते हैं गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक देखिए